Hello students, welcome to our class of ecology. In today's class we are going to discuss second part, the ecological pyramids portion of energy flow in an ecosystem. अपने previous lecture में भी हमने बात की थी कि किसी भी ecosystem में जो flow of energy है ये laws of thermodynamics, law of conservation of energy और law of entropy को follow करता है. अब किसी इकोसिस्टम में फ्लो ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करने की एक अप्रोच है बाय यूजिंग ट्रॉफिक पायरामिड्स या इकोलॉजिकल पायरामिड्स. अब ये ट्रॉफिक पायरामिड्स असल में क्या शो करती हैं? द ट्रॉफिक रिलेशनशिप्स इन एन इकोसिस्टम आर रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ दीज पायरामिड्स विच आर फॉर्म्ड बाय द स्टैक्स ऑफ रेक्टेंगल्स each of which represent amount of energy or amount of biomass within one trophic level. और जब हम इनको असेंबल करते हैं from bottom to top, तो ये हमारे पास क्या बनती है? एक पायरामिड शेप बनती है. इसका मतलब अगर ये एक पायरामिड ऑफ एनर्जी है तो जो फर्स्ट रेक्टेंगल है ये रिप्रेजेंट कर रही है किसको? फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल यानी कि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के अंदर मौजूद एनर्जी को. जो पायरामिड ऑफ बायोमास होगी वो रिप्रेजेंट कर रही है अमाउंट ऑफ बायोमास प्रेजेंट इन फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल. इसी तरह से नेक्स्ट जो है एनर्जी प्रेजेंट इन हर्बीवोर्स, बायोमास प्रेजेंट इन हर्बीवोर्स. तो ट्रॉफिक पायरामिड्स क्या हैं? दीज आर एक्चुअली स्टैक्ड रेक्टेंगल्स. ईच रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स अमाउंट ऑफ एनर्जी और बायोमास इन वन पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल. अब टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक इकोसिस्टम्स को बारी बारी देखते हैं कि किसी भी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में पायरामिड ऑफ एनर्जी एंड पायरामिड ऑफ बायोमास जो है दे आर ऑफ सिमिलर शेप. इसका मतलब क्या है कि जैसे ही आप लोअर से अपर ट्रॉफिक लेवल की तरफ मूव करते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है. इसी तरह अमाउंट ऑफ बायोमास भी आप प्रोड्यूसर से कार्निवोर्स की तरफ मूव करें तो ये क्या कर रहा होता है? डिक्रीज कर रहा होता है. इससे क्या बनती है? एक अपराइट पायरामिड बनती है, पायरामिड ऑफ एनर्जी एंड पायरामिड ऑफ बायोमास. इसकी रीजन क्या है? क्योंकि आपने पढ़ा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के कोई भी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्रोसेस है 100% एफिशिएंट नहीं होता. सम अमाउंट ऑफ यूजफुल एनर्जी इज लॉस्ट व्हेन दिस एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल. कैसे? इन द फॉर्म ऑफ रेस्पिरेटरी हीट. इसके अलावा कुछ एनर्जी जो है वो एक्सक्रीटा के अंदर जो है वो लूज हो जाती है, नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल तक नहीं पहुंच पाती. और इसके अलावा दूसरी बात कि कभी भी एक ट्रॉफिक लेवल पे मौजूद तमाम ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनको नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे मौजूद ऑर्गेनिज्म ईट नहीं करेंगे. सारी की सारी ग्रासेस हर्बीवोर्स नहीं खा लेंगे. तो सारी ग्रासेस हर्बीवोर नहीं खाएंगे, इसका मतलब है कि सारी एनर्जी भी नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे ट्रांसफर नहीं होगी. कम एनर्जी ट्रांसफर होगी तो इससे नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे बायोमास भी कम ही जनरेट होगा. लेकिन इसके मुकाबले में अगर आप एक्वेटिक इकोसिस्टम को कंपेयर करें, एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो पायरामिड ऑफ एनर्जी है वो तो एक अपराइट पायरामिड बनती है कि बॉटम के ऊपर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जो है उनके अंदर मैक्सिमम एनर्जी, ऊपर चलते जाएं सेकेंडरी कार्निवोर्स के अंदर मिनिमम एनर्जी. लेकिन एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो पायरामिड ऑफ बायोमास है ये एक इन्वर्टेड पायरामिड होती है. इन्वर्टेड पायरामिड का मतलब है मिनिमम अमाउंट ऑफ बायोमास इज प्रेजेंट इन प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायोमास इज प्रेजेंट इन टॉप कार्निवोर. अब इसकी रीजन बड़ी सिंपल है, क्योंकि एक्वेटिक इकोसिस्टम के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो ग्रीन प्लांट्स नहीं होते, वो मैक्रोफेजेस नहीं होते, बल्कि एक्वेटिक इकोसिस्टम के जो प्रोड्यूसर्स हैं उनमें शामिल हैं फाइटोप्लैंक्टन्स, उसमें शामिल हैं एल्जी. अब ये जो माइक्रोस्कोपिक प्रोड्यूसर्स हैं इनका लाइफ स्पैन होता है कम. लाइफ स्पैन कम होने की वजह से इनका जो टर्नओवर रेट है वो ज्यादा है. यानी कि फर्ज करें एक जनरेशन है प्रोड्यूसर्स की, नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस होगी तब तक पहले वाली जनरेशन जो है उसकी डेथ हो चुकी होगी. इसी तरह थर्ड जनरेशन प्रोड्यूस होगी, सेकंड जनरेशन जो है उसकी डेथ हो चुकी होगी, वो डेट्राइटस के अंदर डेड ऑर्गेनिक मैटर में ऐड हो चुकी होगी. अब क्योंकि इनका डेथ रेट ज्यादा है, टर्नओवर रेट ज्यादा है, तो इनका बायोमास एक्युमुलेट ही नहीं हो पाता. इसके मुकाबले में जो लैंड इकोसिस्टम है एक
प्लांट जो है, एक कह लेंगे जो ग्रीन प्लांट है वो कई कई इवन हंड्रेड्स ऑफ इयर्स तक जो है वो सरवाइव कर सकता है। तो एक जनरेशन हंड्रेड्स ईयर तक सरवाइव कर रही है, उससे पीछे कई जनरेशन ऐड होती जा रही हैं, बायोमास ऐड होता जा रहा है। इसके मुकाबले में एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर जो बायोमास है वो टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रहा है और बॉटम टू टॉप इंक्रीज हो रहा है, एक इन्वर्टेड आपके सामने पायरामिड बन रही है। अब इसी बात को यहाँ पे ग्राफिकली बताया गया है कि टेंडेंसी टुवर्ड्स इन्वर्टेड बायोमास पायरामिड इज ग्रेटर विद वेयर प्रोडक्टिविटी इज लोएस्ट। जहाँ पे प्रोडक्टिविटी कम होगी, न्यूट्रिएंट पुअर रीजन्स जो होंगे एक्वेटिक बॉडी के, वहाँ पे इन प्लैंकटन्स की जो लाइफ स्पैन है उतनी ही कम होगी और उतना ही जो इन्वर्टेड पायरामिड बनने के चांसेस हैं वो ज़्यादा होंगे। अब पायरामिड्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं, पायरामिड ऑफ नंबर, पायरामिड ऑफ बायोमास, पायरामिड ऑफ एनर्जी। इनके जो नाम है यही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। पायरामिड ऑफ नंबर में हम क्या करते हैं, पायरामिड ऑफ नंबर में हम ईच ट्रॉफिक लेवल के ऊपर मौजूद नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक लेक इकोसिस्टम की पायरामिड ऑफ नंबर है, इसको देखें तो पता चलता है कि मैक्सिमम ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट एट फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, अगले ट्रॉफिक लेवल पे थोड़े, अगले से उससे भी कम, और टॉप ट्रॉफिक लेवल पे मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट। लेकिन यहाँ पे देखें कि पैरासिटिक जो इकोसिस्टम होगा उसमें ये पायरामिड ऑफ नंबर जो है वो इन्वर्ट भी हो सकती है। मसलन एक ही प्लांट है तो प्रोड्यूसर लेवल पे नंबर कितना हो गया, एक, लेकिन एक प्लांट पे मिलियंस ऑफ पैरासाइट्स जो हैं वो प्रेजेंट हो सकते हैं। तो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, इसलिए पैरासिटिक जो इकोसिस्टम्स होंगे वहां पे ये पायरामिड ऑफ नंबर इन्वर्टेड होती है। नेक्स्ट आ जाएं पायरामिड ऑफ बायोमास, ये भी उसी तरह हर ट्रॉफिक लेवल पे अमाउंट ऑफ बायोमास को रिप्रेजेंट कर रही है। आप देखेंगे नॉर्मली ये भी एक अपराइट पायरामिड बनती है कि मैक्सिमम बायोमास इन ऑटोट्रॉफ्स, और जैसे हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स की तरफ आप चलते जा रहे हैं बायोमास की जो अमाउंट है वो कम होती जा रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखें इन्वर्टेड बायोमास इज प्रेजेंट इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, जो अभी हम अपनी प्रीवियस स्लाइड के अंदर डिस्कस करके आए हैं कि एक्वेटिक इकोसिस्टम के जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनका लाइफ स्पैन कम होने की वजह से बायोमास अक्यूमुलेट ही नहीं हो पाता। पायरामिड ऑफ एनर्जी, इसमें जो अपराइट पायरामिड प्रेजेंट है क्योंकि हर ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी जो है वो रेस्पिरेटरी हीट लॉस की शक्ल में एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज हो रही होती है, एनर्जी का लॉस हो रहा होता है। इसके अलावा तमाम प्रोड्यूसर जो हैं दे आर नॉट बीइंग ईटन, सिर्फ इनका कुछ पोर्शन जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर्स कंज्यूम करेंगे, इसलिए कुछ पोर्शन ही एनर्जी का अगले ट्रॉफिक लेवल पे ट्रांसफर होगा। तो पायरामिड ऑफ एनर्जी भी एक अपराइट पायरामिड है, ये बताती है कि हर ट्रॉफिक लेवल से जब आप नेक्स्ट लेवल पे मूव करते हैं तो अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो जाती है, अगले ट्रॉफिक लेवल के ऊपर लेसर अमाउंट्स ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल। प्रोड्यूसर्स में मैक्सिमम एनर्जी, प्राइमरी कंज्यूमर्स में उससे कम एनर्जी, सेकेंडरी कंज्यूमर्स में उससे कम, और टर्शरी कंज्यूमर्स में सबसे कम एनर्जी प्रेजेंट होगी। तो किसी इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो को हम इन ट्रॉफिक पायरामिड्स की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अभी तक हमने एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम की बात की कि किसी इकोसिस्टम में एनर्जी जो है वो फीडिंग रिलेशनशिप्स की वजह से फ्लो करती है, और इन फीडिंग रिलेशनशिप्स को हम फूड चेन्स और फूड वेब्स की सूरत में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसके अलावा हम इस फ्लो ऑफ एनर्जी को ट्रॉफिक पायरामिड्स की मदद से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ट्रॉफिक पायरामिड्स जो हैं वो तीन तरह की हो सकती हैं, पायरामिड ऑफ नंबर, एनर्जी एंड बायोमास। तो उम्मीद है आपने इन कॉन्सेप्ट से कुछ सीखा होगा। तो अगले वीडियो लेक्चर्स में हम इकोसिस्टम से मुतल्लिक मज़ीद कॉन्सेप्ट जो हैं वो डिस्कस करेंगे, और आखिर में आपके लिए बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है, इसको ज़रूर गौर से सुनें और अमल भी करें। दिस वन